अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. सो टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 23, चैप्टर नंबर 4, वर्ब्स द सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाट आर कॉल्ड वर्ब्स? एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड्स इज द सेम थिंग्स. अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड मीन्स अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड्स. व्हाट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और वर्ब और डूइंग वर्ड्स? द एक्शन व्हाट समवन और समथिंग डज मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई इंसान, एक पर्सन या थिंग क्या काम कर रहा है इज कॉल्ड एक्शन वर्ड. सो वी ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और वी कैन राइट डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. डूइंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स एक ही होते हैं एंड डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल प्ले, ईट, सिंग, रन एक्सेट्रा. इसी तरह और भी वर्ब्स हैं, रन, वॉक, स्टैंड, ड्रॉ, सिट, स्लीप, ईट, स्विम, जंप. वी कॉल दीज वर्ड्स एक्शन वर्ड्स बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है. रन, वॉक, ये सब क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड. सो डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज हम क्या सीखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू स्विम इन द लेक इन समर. यू के साथ क्या लगा? स्विम, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसको हम एक चार्ट की हेल्प से समझेंगे. यूजेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, सिंगुलर, प्लूरल. आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है. सिंगुलर मीन्स आई, यू, ही, शी और इट. आई क्या होता है? सिंगुलर मीन्स मैं. मैं सिर्फ अकेला हूँ, सिंगुलर. यू मीन्स तुम सिर्फ अकेले, सिंगुलर. ही किसी लड़के के लिए, वह. शी किसी लड़की के लिए, वह. इट किसी छोटे एनिमल या किसी चीज़ के लिए, थिंग के लिए, इट. वी हम लोग मीन्स बहुत सारे लोग. यू प्लूरल फॉर्म में अगर हो तो यू मीन्स तुम लोग. दे मीन्स वे लोग. एंड फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू मीन्स तुम लोग. तुम और तुम लोग के लिए हम यू का ही यूज करते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे. व्हेन इन अ सेंटेंस आई, वी, यू एंड दे ये हो तो वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. मीन्स प्ले, सिंग, प्ले, ईट, सिंग, रन ये फॉर्म ही लगते हैं. बट अगर किसी सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी का नेम हो तो उसके साथ एस और ई एस भी जोड़ के लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, यू स्विम इन द लेक ऑफ समर. यू, यू कैन सी हियर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया. बट ही साइकल्स टू स्कूल, यहां साइकिल के साथ हमने क्या लगा दिया? यस, एस और ई एस. साइकिल के साथ हमने क्या लगाया? एस. राज स्लीप्स ऑन द सोफा. यहाँ राज स्लीप नहीं होगा बिकॉज राज इज अ थर्ड पर्सन, किसी का नेम है ये, इसलिए स्लीप के साथ हमने क्या लगा दिया? एस. नाउ आई प्ले बैडमिंटन विथ अमूल. हियर आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी कैन राइट ओनली प्ले, नॉट प्लेस.
बिकॉज यहाँ सिर्फ आई है, ही शी इट और किसी का नेम नहीं है. द सन शाइंस ब्राइटली मीन्स द सन एक थर्ड पर्सन है, इसलिए सन के साथ हमने क्या लगा दिया, एस. सो किड्स क्लियर है आपके साथ कि अगर आई वी यू और दे या किसी हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. अगर ही शी इट और किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन हो, तो उसे उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है. ओके किड्स, कीप लर्निंग.